जिस खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जत के कत्ल के लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर झूठा इल्जाम मढ़ा, आज जी मीडिया उस हरदीप सिंह निज्जर के दहशतगर्द होने का सबूत दिखाएगा। सरकार ने कनाडा में गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला को भी खालिस्तानी टाइगर फोर्स का आतंकी करार दिया था। गजट नोटिफिकेशन में बताया गया था कि दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर का बेहद करीबी है दहशतगर्द अर्शदीप डल्ला, जो इस पर कनाडा में छिपा हुआ है, मतलब जिसे भारत सरकार ने ऑफिशियल तौर पर दहशतगर्द करार दे दिया है। ट्रूडो उसके कत्ल के झूठे इल्जाम के बहाने भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। हरदीप सिंह निज्जर के गुनाहों का पूरा हिसाब किताब एनआईए ने भी जारी कर रखा है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि अर्शदीप डल्ला हरदीप सिंह निज्जर के साथ मिलकर कत्ल, टारगेट किलिंग, टेरर फाइनेंसिंग, बॉर्डर पार से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर करता है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि अर्शदीप डल्ला और निज्जर अपने गैंग के लोगों को भारत में अपने टारगेट की डिटेल्स भेजते थे, उन्हें हथियार मुहैया कराते थे, टेरर फैलाने के लिए फंड्स भी शूटर्स को एमटीएसएस के जरिए भेजे जाते थे, जिसके बाद फिरौती की रकम को हवाला के जरिए कनाडा भेजा जाता था। कनाडा में खालिस्तानियों की पूरी फौज है, जिनमें दहशतगर्द पन्नू और अर्शदीप समेत कई वांटेड दहशतगर्द और गैंगस्टर्स हैं। जो दहशतगर्द अर्शदीप डल्ला भारत की वांटेड लिस्ट में है, उस पर खुलासा ये भी हुआ कि उसने दूसरे मुल्क में एक कंट्रोल रूम तैयार कर रखा है। उसी कंट्रोल रूम में अर्शदीप अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब में खालिस्तानी सरगर्मियों को ऑपरेट करने और मॉनिटर करता है। एनआईए को जांच में पता चला कि पंजाब में दहशतगर्द अर्शदीप के शूटर्स को पाकिस्तान में छुपे गैंगस्टर नवीन बाली पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भेजता था। अब हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि खालिस्तानियों के नेटवर्क और फंडिंग पर हमला करना है। इसे अंजाम देने के लिए एक दो नहीं बल्कि चार चार एजेंसियां तैयार हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और आतंकियों की फंडिंग के खिलाफ जिस तरीके से देश की सिक्योरिटी एजेंसीज, ठीक उसी तरीके से अब खालिस्तान समर्थक और उनके एनजीओ और उसके साथ ही खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो खुलकर खालिस्तानी दहशतगर्द और खालिस्तानी तंजीमों की वकालत करते हैं। खुद उनके इख्तियार खालिस्तानी हामियों की वजह से ही बची हुई है। कुछ ही देर के बाद वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर चुन चुन कर जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी आतंक पर आईना दिखाएंगे। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ प्रमोद शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।